हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लास प्रोवाइडेड बाय रास्तान एकेडमी चूर। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था नाउन का। नाउन के अंदर हमने उसके नाउन की डेफिनेशन और उसके काइंड्स हमने पढ़े थे। काइंड्स के अंदर हमने कौन कौन से काइंड्स पढ़े, उसके प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और मटेरियल, ये हमने उसके काइंड्स पढ़े थे। प्रॉपर के अंदर आपने पढ़ा था कि पर्टिकुलर होना चाहिए, कॉमन के अंदर आपने पढ़ा कि क्लास ऑफ पर्संस और एनिमल्स होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट के अंदर फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव के अंदर कलेक्शन होना चाहिए, मटेरियल के अंदर सब्सटेंसेज होना चाहिए। तो उसमें अपनी फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें ये 5 क्वेश्चन थे, उसके अंदर था कि पिक आउट नाउन्स एंड राइट देयर काइंड्स। इसमें से आपको नाउन को पिक आउट करना था और उसके काइंड से लिखने थे। फर्स्ट में जैसे आपने नाउन को पिक आउट किया तो ये आ गया आपका स्टूडेंट्स। क्या आ गया? स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। तो देखिए, स्टूडेंट्स नाउन है क्योंकि पर्सन है तो नाउन है। इसके अंदर अब इसका काइंड्स आपको लिखना था, तो स्टूडेंट्स कैसे नाउन होगी? कॉमन नाउन होगी। कैसे नाउन होगी? कॉमन, क्योंकि ये इस जो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है उस सब के लिए ये जो वर्ड है स्टूडेंट है वो काम में आ सकता है। फिर देखिए, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स। इसके अंदर आपका जो नाउन आया वो क्या है? डॉग्स। डॉग्स का भी आपको काइंड लिखना है तो ये भी नाउन है, कॉमन। बाद में उसकी स्पेशल जो ब्रीड्स होती हैं यदि वो आती हैं तो वो प्रॉपर हो जाती हैं, लेकिन डॉग क्या है? कॉमन है। इसमें देखिए, आवर टीम रियली प्लेड वेल, इसमें नाउन आई आपकी टीम। टीम के अंदर क्या है? कलेक्शन है, तो ये क्या हो गई? कलेक्टिव। कैसी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें आपकी नाउन ऑनेस्टी या पॉलिसी दोनों है, दोनों ही पॉलिसी नीति, ऑनेस्टी ईमानदारी, तो दोनों ही कैसी नाउन है? आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसी नाउन होगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। ए मदर लव फॉर चिल्ड्रन एंड नेवर, इसके अंदर मदर लो तो आप कैसी नाउन है? आपकी कॉमन। लव है वो आपकी अब्स्ट्रैक्ट, चिल्ड्रन है वो आपकी कॉमन, ये दोनों कॉमन नाउन है, लव है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट था आपका कि अंडरलाइन द नाउन, इनमें केवल काइंड नहीं लिखना था, नाउन को अंडरलाइन करना था। तो फर्स्ट में नाउन आपकी क्या होगी? थीफ, द पुलिस, सीता, फूड, द बॉयज, टीचर, इंग्लिश, मोहन, जयपुर, फ्रेंड्स, ये सारी क्या थी? आपकी नाउन्स थी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नाउन का जो क्वेश्चन आएगा या तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप दे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अंदर के जो ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं उनमें से नाउन कौन सा वर्ड है, 4 वर्ड दे दिए, जैसे ये सेंटेंस आया और इसके अंदर आपको ए बी सी ऑप्शन के अंदर 4 दे दिया, जैसे फर्स्ट में दे दिया मोहन, बी में आपको दे दिया इसमें इज, सी में आपको दे दिया गोइंग और डी में आपको दे दिया विद। अब ऐसे पूछा जाएगा कि ये जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है इसमें जो ऑप्शन दिए उनमें नाउन कौन सी है, तो इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें नाउन कौन सी है, मोहन क्या है? नाउन है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन हमें नाउन और उसके काइंड्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रोनाउन का। प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिए, नाउन कंप्लीट होती है उसके बाद प्रोनाउन की डेफिनेशन है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन
एंड इंडिकेट्स ए पर्सन थिंग एंड एनिमल. प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. नाउन के प्लेस पर जो वर्ड काम में आता है वो क्या होता है, अपना प्रोनाउन होता है. इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, अपना एग्जाम्पल यहाँ देखिए. राम इज ए गुड बॉय. ये इस सेंटेंस में देखिए, राम क्या है, नाउन है. क्या है, नाउन है. अब इसको देखिए आगे, ही गोज टू स्कूल डेली. राम इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली. यहां पर राम की जगह जो वर्ड काम में आया वो क्या है, ही. ही है वो नाउन नहीं है, वो क्या है, प्रोनाउन है. तो नाउन की जगह जो वर्ड काम में आता है वो क्या होता है, अपना प्रोनाउन होता है. राम, और राम के स्थान पर दोबारा क्या आया, ही. तो ये क्या, ये नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, कि बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना पड़े, उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को काम में लेते हैं. तो ये प्रोनाउन की हुई अपनी डेफिनेशन. अब देखिए इसके काइंड्स. काइंड्स देखिए, जनरली जो इसके मेन काइंड्स होते हैं वो होते हैं एट, और टोटल काइंड्स इसके होते हैं 10. तो देखिए इसके काइंड्स कौन कौन से हैं. देर आर 10 काइंड्स ऑफ ए प्रोनाउन. प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं वो 10 हैं. पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरा अपना पजेसिव प्रोनाउन है, तीसरा इंडेफिनेट प्रोनाउन है, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेवन्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एट्थ है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नाइन्थ है अपना इम्फेटिक प्रोनाउन, और टेंथ है अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इस प्रकार से अपने काइंड्स हैं इसके 10. 10 में फर्स्ट जो अपना आता है वो आता है पर्सनल प्रोनाउन. तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिए. प्रोनाउन्स दैट इंडिकेट्स पर्सन थिंग एंड एनिमल ETC आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. वो प्रोनाउन जो किसको इंडिकेट करते हैं, पर्सन को, थिंग को और एनिमल को इंडिकेट करते हैं, वो क्या होते हैं, अपने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल है, वो देखते हैं हम नेक्स्ट अभी. हाँ, तो फर्स्ट में अपना जो पर्सनल प्रोनाउन था, उस पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन कि पर्सनल प्रोनाउन है वो इंडिकेट करता है पर्सन को, थिंग को, एनिमल को. अब उसकी टेबल देखिए. पर्सनल प्रोनाउन है वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, और वो पर्सन्स भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड होते हैं. 3 पर्सन होते हैं उनके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर होता है, हमेशा क्या होता है, स्पीकर. और सेकंड पर्सन होता है लिसनर, और थर्ड पर्सन होता है अदर. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर देखिए, सिंगुलर के अंदर पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, और प्लूरल के अंदर होता है वी. तो इसकी जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई की, वो तो आई है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है इसकी मी. सिंगुलर है आई, इसका सब्जेक्टिव जो फॉर्म होती है वो आई होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी मी होती है. प्लूरल में जाएंगे फर्स्ट पर्सन के अंदर हम, तो सब्जेक्टिव फॉर्म उसकी वी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी अस. सेकंड पर्सन होता यू. यू का सिंगुलर, प्लूरल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो फॉर्म्स होती हैं वो सेम होती हैं. यू का सब्जेक्ट भी यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू, यू का प्लूरल भी यू है, और प्लूरल की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या है, यू ही है. तो इस प्रकार से यू है वो सभी फॉर्मेट में सेम है. थर्ड पर्सन में देखिए, ही जो सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है. तो इनकी जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो तो है ही, सी, इट, और इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, सी की हर, इट की इट होती है. और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, दे. तो दे तो उसके सब्जेक्टिव फॉर्म है, और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, देम.
अब एग्जांपल देखने हैं उस सेंटेंस के अंदर, हम देख करके उसको क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे प्रोनाउन को, और उसका यदि काइंड्स हमें लिखना है तो वो भी लिख देंगे। फर्स्ट में देखिए, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, इस सेंटेंस में देखें आई, देखिए क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कार्य हमेशा कौन करता है, नाउन करता है या प्रोनाउन करता है, नाउन ये है नहीं तो इसका मतलब डेफिनेटली ये नाउन की जगह काम में आई है, तो ये क्या है आपका प्रोनाउन है। वॉन्ट टू टॉक टू यू, बातचीत करना चाहता हूँ, ये भी क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का काम भी हमेशा कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है नहीं यू, तो डेफिनेटली आपका क्या है प्रोनाउन है। तो आइडेंटिफाई कर लिया इस सेंटेंस में आई और यू दोनों क्या है प्रोनाउन है, और दोनों यूज किसके लिए हो रहे हैं, पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या है पर्सनल प्रोनाउन है। यदि इसका काइंड से हमें पूछा जाए या ये कैसा प्रोनाउन है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। राम टीचेज मी, राम तो देखिए नाउन है, टीचेज मी मुझे पढ़ाता, ये क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कार्य कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन करता है, तो ये डेफिनेटली नाउन है नहीं तो क्या है प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या है प्रोनाउन ही है, ये प्रोनाउन है, पर प्रोनाउन में कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ये हम देख करके इसमें पता लगा लेते हैं। थर्ड वन जो एग्जांपल है वो देखिए, दे वर प्लेइंग, इसके अंदर सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा, दे, तो दे सब्जेक्ट का कार्य कौन करता, हमेशा नाउन या प्रोनाउन, तो ये क्या है आपका नाउन है नहीं, तो दे क्या डेफिनेटली प्रोनाउन है। प्रोनाउन में यदि आपसे इसका काइंड्स पूछा जाए तो ये क्या होगा आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा। थैंक्स। जो बाकी के अपने प्रोनाउंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।